ओके लाहौर से बड़ा एक नतीजा। ओहो ये इफ्तिखार साहब यहाँ पर भी आपकी खासी दिलचस्पी होगी। मैं आई विल कंग्रेचुलेट मियां अज़हर साहब, जो उस वक्त मैंने देखा कि इसको एक पुलिस की गाड़ी में बिठाया हुआ है और इसने टोपी पहनी हुई है, आई फील वेरी बैड। बिल्कुल। और मैंने फिर ट्वीट भी किया कि ये इस उम्र में 83 इयर्स ओल्ड मैन एंड ही हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ पंजाब और ये एक पार्टी का सरबरा रहा। बिल्कुल। और लाहौर में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर। इसकी कामयाबी पे वाकई एक बात साबित होगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चाहने वालों ने अपने गम गुस्से मोहब्बत तीनों चीजों का इस्तेमाल कल इलेक्शन में किया जिसका नतीजा मियां अज़हर की कामयाबी की शक्ल में है। और ये आराई है, दोनों आराई है, हाफिज नुमान इज आराई, मियां अज़हर इज आराई एंड मियां अज़हर विनिंग दिस सीट विद 1 लाख वोट्स। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मियां हमाद अज़हर की गैर वालिद हैं, उनके वालिद हैं, तो उन्होंने लाहौर बाय एंड लार्ज बिलोंग्स टू अराइज एंड कश्मीरीज। ओके ओके, दिस इज बिग विक्ट्री टू मियां अज़हर। और ये बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के लिए। कर लेते हैं यहाँ पर फवाद चौधरी तो अब है नहीं, पीपी 25 का ये हलका है नदीम खादिम और खिदमत करेंगे, शायद यही जो है बात अवाम को इनकी पसंद आई। 40,560 वोट लेकर यहाँ से मैदान मार लिया है इन्होंने और TLP के जुबैर कियानी 9,000 वोट लिए हैं इन्होंने और बड़े मार्जिन से नदीम खादिम ने अपनी सीट जब अपने नाम कर ली है। तो खैर साहब कल जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वोट कास्ट करने गए तो वहाँ पर सवाल हुआ उनसे कि वज़ीर आला पंजाब किसको बना रहे हैं, क्या मरियम है कैंडिडेट, यानी कि मेंटली अप्रोच हम ये कह सकते हैं कि वो जीत चुके थे मेंटली वोट कास्ट होने से पहले ही। क्या कहा उन्होंने?